अब देखो यार, अगर तुम लोग रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE में रॉक के रिटर्न होने के बाद रॉक के डॉटर को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धमकी मिल रही है। WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स को लेकर WWE के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। CM Punk के WWE के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने को लेकर WWE की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। आंद्रादे एल इडोलो के WWE में फ्यूचर को लेकर PWI इनसाइडर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। ट्रिपल एच के पॉसिबली कंपनी से फायर्ड होने को लेकर PWI इनसाइडर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, वहीं WWE के एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू के ऊपर WWE का एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रॉक की। वल्गार बात करें यहां पर रॉक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट नाइट WWE के स्मैकडाउन के ऊपर WWE में रॉक के रिटर्न होकर रोमन रेंस को कंफर्म करने के बाद कोडी रोड्स के फैन यहां पर रॉक से काफी नाराज हो चुके गए। और आज यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी काफी लोग रॉकी स्वक नाम का चैंट कर रहे थे। और गाइस यही लगातार पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स के फैंस के रॉक से नाराज होने के बाद अब कुछ फैंस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहे गए, क्योंकि गाइस यहां पर कोडी रोड्स के फैंस ने सोशल मीडिया के ऊपर रॉक के डॉटर के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर उल्टे सीधे गालियां देना शुरू कर दी गए। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, रॉक की डॉटर करंटली यहां पर WWE के अंदर काम करती गए, जहां पर रॉक की डॉटर करंटली WWE के NXT शो के ऊपर WWE NXT की जनरल मैनेजर है। और गाइस WWE के स्मैकडाउन पर जो कुछ भी हुआ था उन सभी चीजों को लेकर अब यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स के फैन यहां पर रॉक के डॉटर को गाली दे रहे गए। और गाइस यहां पर रॉक के डॉटर ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि काफी सारे लोग यहां पर रॉक के डॉटर को DM करके रेप करने की धमकी दे रहे गए। तो काफी सारे लोग रॉक के डॉटर को जान से मारने की धमकी दे रहे गए। और गाइस रॉक की डॉटर ये चीज देखकर काफी परेशान है, क्योंकि गाइस उनका यहां पर इस पूरे स्टोरी लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस यहां पर रॉक के डॉटर का ये कहना है कि फैंस को यहां पर ये समझना चाहिए कि WWE के अंदर रॉक और कोडी के बीच में जो भी हुआ है उसके अंदर रॉक के डॉटर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं गए। वेल गाइस, अगर यहां पर सच में चूतिया लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर रॉक के डॉटर को धमकियां दे रहे गए, तो गाइस मैं यहां पर इनसे और कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गाइस ये लोग यहां पर दिमाग से पूरे पैदल है। और गाइस अगर यहां पर रेसलिंग के स्टोरी लाइन की वजह से कोई यहां पर सोशल मीडिया पर किसी आदमी को जान से मारने की धमकी देता है तो गाइस उनसे बड़ा चूतिया कोई भी नहीं होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइज, अगर आप लोगों ने आज यहां पर WWE का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा आज यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर क्राउड के बीच में काफी सारे कोडी रोड्स के पोस्टर देखने को मिले थे। और गाइज लिटरली एक टाइम पर WWE के टेलीविजन के ऊपर लगभग अरीना के अंदर काफी सारे लोगों ने वी वॉन्ट कोडी का पोस्टर लिया हुआ था। और गाइज यही WWE के रॉ के ऊपर कोडी के इतने सारे पोस्टर के फीचर होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि वैसे तो काफी सारे लोगों ने सच में पर उनके घर से ही कोडी रोड्स का पोस्टर बनाकर ले गए थे, बट गाइस WWE के शो पर काफी सारे ऐसे भी पोस्टर थे जिसको WWE कंपनी ने जानबूझकर फैंस को दिया था। और गाइस बेसिकली यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर वैसे तो कुछ पोस्टर्स फैंस ने खुद लेकर आए थे, बट गाइस यहां पर ज्यादातर पोस्टर जो WWE के रॉ पर हमें देखने को मिले थे वो यहां पर WWE के टीम के द्वारा फैंस को दिया गया था, जिससे कि फैंस यहां पर अरीना के अंदर इन पोस्टर को लेकर WWE के शो पर कोडी को सपोर्ट करें। और गाइस बेसिकली यहां पर WWE के अंदर वांट कोडी वाला जो मोमेंट चल रहा है उस मोमेंट को अब यहां पर WWE कंपनी भी प्रमोट कर रही है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था, WWE कंपनी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोडी रोड्स को लेकर बातें हो और इससे यहां पर कोडी रोड्स और भी बड़े सुपरस्टार बनेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE की ये टेक्निक कितनी ज्यादा सही साबित होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE से ट्रिपल एच के पॉसिबली फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने के बाद WWE ने विंस मैकमैन को कंपनी से फायर्ड कर दिया है। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE के अंदर जो करंटली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर यहां पर इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर विंस मैकमैन के साथ साथ ट्रिपल एच के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी कोई रिपोर्ट आती है तो गाइस TKO ट्रिपल एच को कंपनी से बाहर करने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं
नहीं लेने वाली गए। और गाइस यहां पर करंटली टीकेओ के जो सीईओ है वो यहां पर इस चीज को लेकर बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर यहां पर विंस मैकमैन के स्कैंडल के अंदर ट्रिपल एच या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में विंस मैकमैन के करीबी किसी और आदमी का नाम शामिल आता है तो गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से उस लोगों को भी लात मारकर कंपनी से बाहर किया जाने वाला है। और गाइस अगर यहां पर इस पूरे मामले के अंदर ट्रिपल एच को लेकर कोई बड़ी रिपोर्ट आती गए तो गाइस यहां पर वो दिन दूर नहीं गए जब टीकेओ ट्रिपल एच को भी कंपनी से लात मारकर बाहर करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टीकेओ ट्रिपल एच को फ्यूचर में फायर करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर की। वेल गाइस ये चीज तो आप लोगों ने आज रॉ पर देखी ही होगी। आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर रिया रिप्ली उनका टाइटल नाया जेस के खिलाफ डिफेंड करने वाली गए। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर इस साल भी हमें यहां पर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखने को मिलेगा। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वुमेन एलिमिनेशन चैम्बर मैच को जो भी जीतेगा वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर रिया रिप्ली को चैलेंज करने वाला है। और गाइस बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रॉयल रंबल विनर के इयो स्काई को चैलेंज करने के बाद अब एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर जो यहां पर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतेगा वो यहां पर रेसलमेनिया पर रॉ वुमेन चैंपियन को चैलेंज करेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की कौन कौन सी वुमन रेसलर इस साल एलिमिनेशन चैम्बर में एंटर करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आंद्रादे एल इदोलो के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर की। वेल गाइस बात करें यहां पर आंद्रादे एल इदोलो की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है आंद्रादे एल इदोलो के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद आंद्रादे यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ ब्रांड पर काम करने वाले गए। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि आंद्रादे यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर बेबी फेस के तौर पर काम करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबली नेक्स्ट वीक रॉ के ऊपर हमें यहां पर आंद्रादे एल इदोलो टीवी पर उनका पहला मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आंद्रादे बेबी फेस के तौर पर रॉ पर क्या कमाल करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ ब्रांड के ऊपर सीएम पंक के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न होने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है सीएम पंक के ट्रॉन ट्राइसेप्स इंजरी की वजह से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले 5 से 6 महीनों तक कंपीट नहीं कर पाएंगे। बट गाइस यहां पर सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद भी पंक यहां पर पॉसिबली आपको टीवी पर दोबारा देखने को मिलने वाले गए क्योंकि गाइस इस हफ्ते सीएम पंक के करीबी दोस्त एस स्टील की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पंक के इंजर्ड होने के बाद पॉसिबली यहां पर पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर हमें यहां पर कमेंट्री करते हुए दिखाई देने वाले गए। और गाइस यहां पर एस स्टील का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के बीच में करंटली इस चीज को लेकर बात चल रही है कि क्या यहां पर जब तक सीएम पंक इंजर्ड रहेंगे वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऊपर कमेंट्री कर सकते गए। और गाइस अगर यहां पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई की बातें मान जाते गए तो गाइस अगले हफ्ते से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ ब्रांड के ऊपर सीएम पंक हमें कमेंट्री टेबल पर देखने को मिलेंगे। और आपको क्या लगता है जब तक यहां पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड है तब तक यहां पर सीएम पंक को कमेंट्री करनी चाहिए या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय गुड नाइट एंड बैंग।